तो प्यारे क्लास 8 के विद्यार्थी, कल आपका टेस्ट हुआ था हिंदी में। कुछ बच्चे का सो कुछ भी था, कैसे क्या है नहीं है, कौन सा क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, इस संदर्भ में था। चलिए मैं आज इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि हम जो आंसर बना के दिए हो या फिर हम जो बताए हो वह कहीं के जो है कंप्यूटर में वन ऑफ आपका मिस्टेक से कोई दूसरा आंसर दब गया, कोई बात नहीं बच्चों, होता है ये सब, ठीक है। बाकी अभी जो हम बताएंगे वह क्लियर कर देंगे आपका कि आपका आंसर यही है और आपके बुक में ये है। तो चलिए हम आप आते हैं आपको अब लेकर प्रश्न उत्तर, जो कल आपका हम एग्जाम लिए हैं ऑनलाइन उसके आंसर के विषय। तो पहला क्वेश्चन था आपका, विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। मैं बार बार इस चीज को पढ़ा चुका था। तो पहला जो है क्वेश्चन, ठीक है, नंबर एक का उत्तर था आपका बच्चों कि 2796 भाषा, 2796 भाषाएं बोली जाती है, यही था आपका पहला आंसर, ठीक है। दूसरा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। तो बच्चों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है, मैंने पढ़ाया है 5 भेद, एक संकर भी है उसमें है, ठीक है। अगर हम जो लिख के भेजे होंगे उसमें ये होगा लिखा हुआ, आप बहुत एकदम ध्यान से उसको बहुत अच्छे से ढंग से लिखिए जो हमने भेजा है आपके व्हाट्सएप पर, बहुत पहले पढ़ा चुके थे इसी लॉकडाउन में, ठीक है। तो हमने बताए होंगे उसमें 5 का संख्या दिए होंगे, इसलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है। तो नंबर 2 का आंसर है बच्चों, आप लिखेंगे आई, क्या होगा इसका आंसर 5 हो गया। अब आइए नंबर 3 के विषय में चल रहे हैं। नंबर 3 में क्वेश्चन था बच्चों आपका कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर बच्चों शब्द के 3 भेद है, ठीक है, इसका आंसर आपका 3 है, ठीक। अब आइए बच्चों उसके आगे, चौथा क्वेश्चन आपका हम बता रहे हैं, अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, इसका आंसर है आपका 2, ठीक है बच्चों। अब पांचवा क्वेश्चन का आंसर हम देने जा रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर में है, ए प्लस अ दोनों मिलकर क्या बनते हैं। तो ए प्लस अ मिलकर आय बनते हैं, इसका सही आंसर होगा बच्चों आय, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में है, दीर्घ ई और दीर्घ उ मिलकर क्या बनते हैं। सही आंसर है बच्चों इसका यू बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर अब है बच्चों, अ और औ के मेल से क्या बनता है। तो औ बनेगा, यहां भी आपको औ होगा आंसर, ठीक है। अब बच्चों चले आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, ये आ और दीर्घ ई के मेल से क्या बनेंगे। तो ए बनेंगे, ए ए ए है होगा, ठीक है, यहाँ ए लिखेंगे। 9 क्वेश्चन का आंसर, चलिए बच्चों चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, गता की रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बच्चों, यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, चलिए बच्चों लेकर चलते हैं नंबर 10 में है, स्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। स्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो 6 है बच्चे, 6 है ना, यहाँ लिखेंगे 6। चलिए बच्चों अब आगे हम बढ़ते हैं 11 नंबर से, एक एक क्वेश्चन को आप देखते चलिए, ठीक है। 11 में आपका क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। तो 6 है, 6 होंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद बच्चों
12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर पर है बच्चों आपका वचन के कुल कितने भेद होते हैं? तो दो है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। संस्कृत में तीन होते हैं, ठीक है, बल्कि हमारे हिंदी में हम बाबा ने इसको पढ़ा भी चुके हैं, बार बार समझा भी चुके हैं कि दो है। इंग्लिश में भी दो होते हैं सिंगुलर एंड प्लुरल, और हिंदी में भी दो होते हैं एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ टू लिखिएगा, ठीक है, इसको टू हो गया। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अब इधर हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो आपका है लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग, तो बच्चों इसका भी आंसर आपका दो ही है जेंडर में, ठीक है, टू होगा, माने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, यहाँ टू कर दीजिए। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखें, 14 नंबर में है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका भी आंसर आप लिखिए टू, ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया, ठीक है। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो 3 होंगे, लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर 16 में आपका हो गया 3। उसके बाद आइए बच्चों 17 का क्वेश्चन का आंसर हम जाने, क्या है क्वेश्चन, परम प्लस और दोनों मिलकर क्या बनेंगे? तो परमाण, ठीक है, परम म में और प्लस उत्तर पद का पहला वर्ड और, दोनों मिलाकर अ प्लस अ बराबर आ, मैंने इस बार इसको पढ़ा चुके हैं आपको, बार बार समझा भी चुके हैं। तो यहाँ होगा बच्चों परमाण, यहाँ पर लिखेंगे परमाण, ठीक है। अब बच्चों आगे है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है बताइए, 18 में था लेखक शब्द का पूछ रहा है स्त्रीलिंग, ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे लेखिका, ठीक है। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लेकर चल रहे हैं बच्चों, कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवित्री, कव इत्री, है ना, इस ढंग से लिखेंगे हम कवित्री, ठीक है। अब आइए बच्चों आगे 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जाने, 20 नंबर में है इसका क्वेश्चन है आपका कि द वर्ण के उच्चारण स्थान क्या है? तो दांत होगा, ठीक है, ये आपका उच्चारण स्थान हो गया द का, द वर्ण का उच्चारण स्थान दांत, ठीक है। अब आइए बच्चों आगे को हम बढ़ते हैं, जो है छ वर्ण के उच्चारण स्थान जो है क्या है? तो छ वर्ण का उच्चारण स्थान बच्चों आपका हो गया मूर्धा, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग मूर्धा, लिखेंगे क्या आप लोग, तो लिख चुके हैं, ठीक है, फिर हम समझाते रहे, अगर गलत हुआ है तो उसको अपने पर जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। अब बच्चों आइए उसके आगे क्वेश्चन था आपका 22 नंबर क्वेश्चन, ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कौन सा ज, ज छ ज ने ज वर्ण का पूछा है ना, ज वर्ण में आता है ज, इसका उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है बच्चों। आगे चलिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ चलते हैं, ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बच्चों आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। 23 में कहता है क वर्ण के उच्चारण स्थान क्या होगा? आंसर होगा बच्चों कंठ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंठ देंगे, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए बच्चों, अब पुनः हम लोग पता है संयुक्त व्यंजन की कुल कितनी संख्या होती है? संयुक्त व्यंजन माने व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या है? तो 4 है बच्चों, है ना, कौन कौन, अक्षर त्र ज्ञ स्र, ठीक है, मतलब अक्ष में क और मूर्धन्य स, त्र में त और र, त हलन प्लस र हलन का मेल होता है, ज्ञ में
तो तालाब सोहलन प्लस र चार है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर है स्वाने संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, तो चार हो गए हैं आपके। ठीक है, अब है 25वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, हम लोग जाने 25वां नंबर क्या कह रहा है तो देखते हैं। कह रहा है इसने अर्थस्थ व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या है, तो बच्चों चार है ठीक है, यहाँ लिखेंगे चार। उसके बाद बच्चों आइए 26 नंबर क्वेश्चन को हम जाने ये क्या कर रहे हैं हमसे, तो बच्चों स्पर्श व्यंजन की कुल कितनी संख्या पूछ रहा है, स्पर्श व्यंजन तो क वर्ग से लेके क वर्ग तक जो है हमारा क्या है स्पर्श व्यंजन है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, तो क वर्ग में पांच क बनगर, च वर्ग में पांच च छ नय, ट वर्ग में पांच ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में पांच ट छ ध ण, प वर्ग में पांच क ख म, माने क वर्ग से लेके प वर्ग तक ये जो है स्पर्श व्यंजन है, इसकी संख्या कुल कितने है 25 माने 25 हो गए। ठीक है, अब आइए बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, देखते हैं कि ये आपसे क्या कह रहा है था, आपको क्या परेशानी हुई थी, तो देखिए हम लोग जानते हैं। ये है आपका व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या, व्यंजन वर्णों की आपको कुल पूछ रहा है। ठीक है, स्वर वर्ण की नहीं आवश्यक है व्यंजन, तो कुल संख्या है बच्चों आपका 33 है ना, 33 है। अब आइए बच्चों आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो कहता है स्वर वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, बच्चों स्वर वर्णों की कुल है संख्या का 11 है माने 11। ठीक है, अब आइए बच्चों आगे हम जानते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को जाने ये क्या है, तो बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन है जगदीश शब्द के संधि विच्छेद क्या होगा, चार ऑप्शन था आपको दिया हुआ था है ना, उसमें आपका सही आंसर है जगत प्लस इस, लिखेंगे यहाँ जगत तो हमें हलत होगा जी प्लस इस तब होगा जगदीश है ना, तो का द बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बादल शब्द का पर्यायवाची मने समानार्थी सब कुछ रहा है आपसे, किस नंबर क्वेश्चन जो है पूछ रहा है बादल शब्द का पर्यायवाची सब, तो यहाँ पर जो घन घन मीन्स बादल। ठीक है, अब है 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जाने बच्चों, यहाँ कहता है सुमन शब्द का अर्थ बताइए, सुमन जो है फूल को कहते हैं, इसका फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सुमन शब्द का फूल, और उसके आगे आइए बच्चों, अब इसको देखते हैं हम लोग आगे बढ़कर कि आपका क्वेश्चन आगे क्या है। कहता है 32 में ऋण शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो ऋण मतलब कर्ज को हम लोग ऋण कहते हैं ना, जो कर्ज लेते हैं किसी से उसको ऋण कहते हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों 33 नंबर में है कि आपका रामायण शब्द का जो है संधि विच्छेद पूछ रहा है, बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस आयन। ठीक है, राम प्लस आयन, बच्चों यहाँ पर आपको एक शब्द को हमेशा हम बार बार समझाते हैं कि देखिए यहाँ पर न जो है ये त वर्ग का है, और रामायण में जो है लिखते हैं तो वह ट वर्ग का होता है, ट वर्ग न कहते हैं ना, तो क्यों चेंज हो जाता है, तो आपको जो है ये व्यंजन वर्ण जो है व्यंजन वर्ण का नियम संख्या 10 में हम आपको समझाएंगे, उसमें है बच्चों कि जब जो है 9 से पहले पूर्व पद में अगर र री और उन्हें रहलन री और मूर्धन्य सहलन, फिर उसके बाद बीच में क वर्ग आ जाए प वर्ग आ जाए
अंतस्थ व्यंजन यर ल व आ जाए या उष्ट व्यंजन का म या फिर स्वर वर्ण आ जाए तो हम जो है नियम इस नियम के तहत मतलब न तो विधान नियम के तहत जो है हम इस न को हटा के और ट के न में हम उसको परिवर्तित कर देते हैं। इसी में जब अगर दोनों को हम जोड़ेंगे रामायण लिखेंगे तो इस न को नहीं लिखकर ट वाला न को लिखेंगे। तो चलिए आइए बच्चों 33 में था उत्तर इसका कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा तो राम प्लस अयन। अब आइए बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। चलिए बच्चों हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? बहुत सा किताब में अलग अलग दर्ज दिया हुआ है, कहीं 48 कहीं कुछ है, बल्कि हमने सभी का निचोड़ निकाला, सभी ने देखा है बहुत अच्छे से ढंग से, तो ये 52 है। कैसे है मैं बता रहा हूँ, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 जोड़ते चलिए आपको मैं बोल ही रहा हूँ, वीडियो बार बार देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वर वर्ण का कुल संख्या 11 माने अ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ रि ए ऐ ओ औ, ठीक है। उसके बाद क वर्ण से लेके प वर्ण तक आपका कुल 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण है। उसके बाद आइए य र ल ये चार अंतस्थ है, तलावे समुदन से दंश ह ये चार आपका उष्ण व्यंजन है, अक्षत्र ज्ञ स्र ये आपका चार जो है संयुक्त व्यंजन है, र और ढ ये जो है दो आपका द्युत वर्ण आते हैं, और अंग और अह माने अनुस्वार और विसर्ग ये दो आपका आयोग वाह है बच्चों, ये टोटल जो है 52 वर्ण है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 52 वर्ण। ओके अब आगे चलिए उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 35 नंबर में आपसे पूछ रहा है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो बच्चों 5 भेद, ठीक है। अब हम लोग इसको अब जो है आगे चलेंगे, उससे पहले जरा इस बोर्ड को हम साफ कर देते हैं फिर आगे हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर उनका, ठीक है। तब तक मैं देखते रहिए आप जहाँ भी आपका भी आप क्वेश्चन आंसर को जो लिखे हुए हैं चाहे कल लिखे थे कहाँ आपसे गलती हुई थी यहाँ से समझ लीजिए आप, ठीक है। हो सकता है आपका जो है उस आंसर से कुछ हेर फेर हो चुका हो, तो सही आंसर हम इसीलिए आपको यहाँ वीडियो बनाकर दे रहे हैं कि सही आंसर आपका यही है जो हम अभी बोर्ड पर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। फिर जो है आपको जहाँ से दिक्कत होगा तो हमारा नंबर तो आपके पास में है ही, आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपका जो है अब 36 नंबर क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम जाने क्या है क्वेश्चन और क्या होगा आंसर। क्वेश्चन है वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं बच्चों? दो है स्वर और व्यंजन, इसलिए लिखेंगे 2 यहाँ पर, ठीक है। अब आइए 37 नंबर का है क्वेश्चन का आंसर हम जाने ये क्या है आपका, कहता है भाषा के कितने भेद होते हैं। हाँ बच्चों ऑप्शन था 2, 3, 4, 5, बहुत सा बच्चों बहुत सी किताब में 2 ही है, मुख्यतः मुख्यतः 2 है, बल्कि हमने मुख्यतः नहीं लिखे थे कितने भेद हैं, मैंने ये लिखा मुख्यतः लिखे तब तो 2 देते तो सही होता कि मौखिक और लिखित, बल्कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह जो है भाषा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो बच्चों सही आंसर है आपका 3, मौखिक लिखित और सांकेतिक, इसलिए सही आंसर होगा इसका 3, ठीक है बच्चों। आगे चलिए अब है क्वेश्चन आगे आपका पूछ रहा है 38 वाला है कि आपको पूछता है क्वेश्चन कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के बच्चों 2 भेद होते हैं, ठीक है। अब आइए बच्चों आगे फोरम बने, अब है बच्चों हिंदी दिवस
कितने तारीख को मनाई जाती है, तो बच्चों मैंने आपको भेज चुका था कि 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 वन अनुच्छेद में हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर होगा 14 सितंबर। ठीक है बच्चों, इसी ढंग से हम लोग आगे चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हुए। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जानते हैं सही आंसर क्या होगा। चलिए दीर्घ स्वर वर्ण की कुल कितनी संख्या है, तो वह जो 3 है दीर्घ स्वर वर्ण संख्या पूछा ना। तो देखिए ओ आ के मेल से आ ही होता है, हरस ई दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई होगा और हरस उ दीर्घ उ के मेल से दीर्घ उ होगा, 3 है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसी में हरस होता तो कुछ कहते 4 ऐसे और। ठीक है, हरसी हरसु री, बाकी यहाँ पर 3 होगा, आ होगा दृघ दृघ उ। ठीक है, अब आइए बच्चों आगे हम बढ़ते रह रहे हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे। फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, हाँ बच्चों याद रखिए, मैंने लिखाया होगा 5 आंसर है ना। कौन कौन है मालूम, 5 नहीं है मालूम, तो जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो ठीक है। ये है आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और पांचवा है आयाति स्वर संधि, इसलिए मैंने 5 लिखा। ठीक है, अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 को जाने, इसका क्या है क्वेश्चन और आंसर क्या होगा सुनाते हैं। तथा 42 में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था। सही आंसर है बच्चों 21 फरवरी 1896, मैंने कई परीक्षा में सुधर लिख के भेजा होगा। ठीक है, तो यहाँ है 21 फरवरी 1896 यही आंसर है सही से। ठीक है, उसके बाद आइए बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन को भी जाने, इसका आंसर क्या है। तथा कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कुछ है निधन के विषय में है ना। तो चलिए आंसर सही है 15 अक्टूबर 1961, 15 अक्टूबर 1961। ठीक है बच्चों, आगे आइए आप, हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को जाने। हाँ तो बच्चों 44 नंबर में है, नारद ने किस लोग के प्रिय भक्त के बारे में विष्णु जी से पूछा। आंसर है आपका बच्चों मृत्यु लोग के बारे में पूछा था। ठीक है, यहाँ होगा आंसर आपका मृत्यु लोग। ठीक है, यही है ना, मृत्यु लोग पर मतलब भूमि पर जो है भूलोक को ही मृत्यु लोग कहते हैं। वहीं पर जो है किसान था है ना, जो मतलब खेती का काम करते हुए भगवान विष्णु का 3 बार नाम लेता था, सुबह जाते समय, दोपहर को जब आता था दरवाजे पर उस समय, और फिर संध्या के समय। ठीक है, 3 बार, इसलिए मृत्यु लोग की बात यहाँ पर आई है बच्चों। अब इसके आगे हम लोग जाने क्वेश्चन आंसर, कि आपका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो 45 नंबर क्वेश्चन हम चल रहे हैं बच्चों आपके सामने, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 पर हम चल रहे हैं। इसका हम लोग विचार लें कि क्या पूछ रहा है, क्या आंसर होगा।
बच्चों कुछ आपको क्वेश्चन कि सज्जन किसान भगवान विष्णु का नाम दिन में कितनी बार लेता था, कोई है नहीं है ना, तो लिखेंगे तीन बार। सही आंसर हो गया तीन बार। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन को भी जाने बच्चों। के पुरपात लेकर भूमंडल की प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करते हुए नारद ने भगवान विष्णु का नाम कितनी बार लिया था, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक बार भी नहीं। नारद जी एक बार भी उनका नाम नहीं, वो कहते हमेशा ध्यान था तेल पर है ना, तेल भरा पात्र पर, तो एक बार भी नहीं सही आंसर होगा। लिखेंगे इसमें हम लोग कि एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, यही सही आंसर, ठीक है बच्चों। अब आइए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं। तो करह की प्रदक्षिणा के बाद नारद जी का मन क्या सोचकर प्रसन्न हो रहा था। सही आंसर है आपका बच्चों धन प्रथा कि तेल न गिरने का पता चलेगा, यही था सही आंसर। नारद जी जब परिक्रमा करके आए और एक बूंद भी तेल नहीं गिरा तो बहुत खुश थे, इसका कोई ना कोई रहस्य होगा, तो वही जो है उस रहस्य के विषय में जानना चाहते थे। जो वहां पर कवि का भाव था, जब विष्णु भगवान कहे उसी में जो है आपका आंसर छुपा हुआ है, उसने कहा कि क्या है रहस्य, तो आपने तो एक बार भी नहीं नाम लिया, तो नारद जी कहे कि मैं तो आपका काम कर रहे थे, तो हम कहे हमारा तो ध्यान था तेल पर था कि तेल लगती है, तो भगवान विष्णु कहे थे कि तो हमारा ही तो काम जो है किसान को दिया हुआ है, जो धरती माँ की सेवा करना, तो उनके लिए हमारा जो है आहार मैंने जाना, फिर भी तो वह सब काम करता था, कि दिन में कम से कम नाम लेता। अब बताइए कि कौन हमारा परम भक्त है, तब नारद जी वहाँ लज्जित हो जाते, कहते कि नहीं आपका बात सत्य है, वह किसान ही आपका परम भक्त है, ठीक है, यही था। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखें क्या है आपका भाई आंसर। तो 48 में है फकीर किस शर्त का खजाना दिखाने, फकीर किस शर्त पर खजाना दिखाने को तैयार हुआ। चलिए बच्चों आंसर है आपका रत्नों से लदे 40 ऊंट पाने पर, बंटवारा कितना का हुआ माना 40, पहले तो एक दो देने में हिचकिचा रहा था एक पर ही है ना, तब देखा जब फकीर की इसका जो है मन ऐसे ढंग से है हो चुका है एक भी नहीं देना चाह रहा, इसलिए शर्त लगाए, तो शर्त में हुआ कि भाई ठीक है आपके पास 80 ऊंट है तो हम 40 ऊंट हम लेंगे और 40 तुम लेगा, तभी हम दिखा सकते हैं, नहीं तो चाहिए हमको नहीं दिखाना है। अब जो है वो आदमी क्या करेगा कि नहीं भाई किसी ढंग से 40 को नहीं चाहिए, 40 पर जो है मान गया, बल्कि अंतोगतवा उसने क्या किया जब 40 तो फकीर को दिया किंतु एक एक तो फिर जो है उन्हें उससे 10-10 करके उससे फिर वापस लेते गया, और अंत में सोचा कि वह जो आँख में लगाने वाला है ना मरम वो अगर मिल जाए तो और बहुत खजाना का पता चलेगा। फकीर बहुत मना किया कि तुम अंधा हो जाएगा, क्योंकि नहीं माना तो लगा दिया वो अंधा हो गया। अब उसके लिए संपूर्ण जो जितने भी थे मैंने 80 ऊँट भी वह सब बेकार था रत्न, वो देख ही नहीं पाया, वो सब जो है फकीर अपना ले गया। तो यह है मैंने ये शर्त हुआ कि भाई कितना, तो रत्नों से लगे 40 ऊँट पाने पर, लिखेंगे रत्नों से लदे 40 ऊंट पाने पर, यही आंसर। अब आइए 49 नंबर क्वेश्चन बच्चों जानते हैं, तो कह रहा है 49 फकीर
पुर्जियों में क्या भर रहा था? सही आंसर है बच्चों, केवल रत्नों को भर रहा, केवल रत्नों को, यही आंसर सही है ना, केवल रत्नों को भर रहा। ठीक है, अब आइए बच्चों 52 है ना, मतलब 50 क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। बाबा अब्दुल्ला ने अंत तक कितने ऊंट फकीर से ले लिए, अंत तक कितने फकीर से लिया भाई? 40 को दे दिया तो अंत धीरे धीरे करके वो 40 लीटर ले लिया, 40 इसका बंटवारा का पहले से था आपके पास, 40 तो बंटवारा के अनुसार उसको पहले से था, 40 तो फकीर को दे दिया था, तो फकीर से कितना ले लिया? ठीक है, तो फकीर से जो दिया था 40 अंक तक वो भी 40 ले लिया, इसलिए लिखेंगे आंसर में कि रत्नों से लदे उनके उसके 40 मतलब उनके हिस्से के 40। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर रत्नों से लदे उसके किसके फकीर के है ना, जो दे दिया था सबके अनुसार उसके 40 जो है वह भी इसने ले लिया। ठीक है, 40 ऊंट। ठीक बच्चों, आपका टोटल क्वेश्चन हमने अभी समझा दिया, इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, इसी के साथ बच्चों आपको अब हम विश्राम दे रहे हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।